सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने शिवहर सहित पूरे बिहार में एक दिवसीय अनशन का कार्यक्रम रखा। शिवहर सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आज भयंकर आंदोलन छिड़ गया। शिवहर जिले के फ्रेंड्स ऑफ आनंद के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार सहित उपवास का कार्यक्रम रखा। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिला संयोजक संजीव कुमार सिंह और पप्पू सिंह ने बताया कि शिवहर के पूर्व सांसद महान साहित्यकार व शिवहर विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन की रिहाई का समय 17 मई 2021 को ही पूरा हो गया था। श्री पप्पू सिंह ने बताया कि राजनीतिकरण को लेकर के आनंद मोहन को रिहा नहीं किया गया, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के लेकर के बिहार सहित शिवहर और पूरे देश में आनंद फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों कार्यकर्ता आनंद मोहन जी की कीर्ति और शिवहर जिले में आनंद मोहन जी का जो रोल रहा सांसदीय कार्यकाल में उसका वर्णन किया। और इस दौरान आनंद मोहन के पुस्तक जीतन राम मांझी पे जो लिखा गया, जो CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है, आनंद मोहन एक साहित्य तौर पे भी माने जाते हैं, और जिस समय आनंद मोहन की लड़ाई चली वो लड़ाई शिवहर जिले के लिए नाम रोशन करने वाला था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी आनंद मोहन जी ने जो एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाया था, आज वो दिन सब लोगों को याद आ रहा है। आनंद मोहन केवल नेता नहीं, सांसद नहीं, बिहार वासियों के लिए और पूरे बिहार के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए एक क्षत्रिय का भी नेता माने जाते हैं पूरे बिहार स्तर पर। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के पूरे बिहार में एक दिवसीय उपवास का जो कार्यक्रम रखा जा रहा है, खास तौर पे शिवहर जिला को लेकर के, चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, उसमें यहाँ के आनंद और फ्रेंड्स के संयोजक पप्पू सिंह के द्वारा जो बात रखी गई कि आनंद मोहन को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, सरकारी दाव पेच में उनको फंसाया जा रहा है, जिसके कारण उनकी रिहाई नहीं हो रही है। अगर आनंद मोहन की रिहाई नहीं होती है तो इससे भी बृहत हम लोग आंदोलन करने को तैयार हैं। जय हिंद, जय शिवहर। कर लेते हैं, क्या मामला है और क्यों नहीं रिहाई की जा रही है, मगर आज एक दिन का उनके लिए उपवास रखा गया है उनकी रिहाई के लिए। तो इस समय उनके यूं कहे कि फ्रेंड्स ऑफ आनंद के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप से जान जाते हैं, पहले इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, इनका भी नाम भी जानना चाहेंगे। तो थोड़ा कैमरामैन हमारे थोड़ा पास चले आएंगे, हल्का सा पास जी। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह जी। बताया जाए, आज एक दिन का जो उपवास रखा गया है आनंद सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सजा पूरा हो गया मगर उनकी रिहाई नहीं हो रही, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी सजा पूरी हो गई है और सजा पूरी होने के बाद बिहार सरकार के तरफ से कमेटी गठित किया जाता है जो निर्णय लेते हैं उनके जेल से बाहर आने के लिए। सरकार से कोताही बरत रही है, मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस विदेश के कारण उनके साथ सौतेलापन कर रहे हैं, फिर उनकी रिहाई को निकाल रहे हैं। तो सरकार से आपकी क्या मांग होगी? सरकार से आप क्या सरकार को मांगे कि सरकार यह क्या करें? अन्यथा आनंद मोहन फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन है, हम उसके पूर्व प्रदेश संयोजक भी रहे, तो हमारा हम लोगों का जो संगठन है आंदोलन करेगा। सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। आज एक दिन का रखा गया उपवास, आज एक दिन का उपवास रखा गया है, आज पूरे देश में आज एक दिन का उपवास रखा गया है। और ये ये मांग करते हुए कि जल्द से जल्द आनंद मोहन जी की रिहाई की जाए। जी हाँ, तो हम बताना चाहेंगे तमाम उनके जितने कार्यकर्ता हैं, तमाम यहाँ से देश से लेकर विदेश तक की अगर हम बात करें, तमाम उनके कार्यकर्ता है जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता या उनके चाहने वाले, जो सारे समुदाय के उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा आज एक दिन का उपवास रखा गया है। और भी उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि आज एक दिन का उपवास रखा गया है, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं, और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी की रिहाई के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से, सभी लोग से मेरा अपील है, आग्रह है। उनका सजा 17 जून को पूर चुका है और परिहार बोर्ड का गठन नहीं हो रहा है।